पहले सप्ताह में हम लोगों ने जो असाइनमेंट्स करके लाए थे जिनपे भी चर्चा की थी उस पर ध्यान दिया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने सुख जो निरंतर सुख की अपेक्षा है वो किस जगह प्रयास करने से पूरा होगा उसको पहचानने का काम किया, और ये भी देखने का काम किया कि किन जगहों पे आज के दिन हम अधिक प्रयास करें। तो निष्कर्ष ये बना कि हम होना तो निरंतर सुखी चाहते हैं लेकिन प्रयास ऐसी जगहों पे कर रहे हैं जहाँ निरंतर सुख संभव नहीं है। तो सुख निरंतर सुखी होने का सोच तो ये पहचान और प्रयास क्या कर रहे हैं, ऐसा प्रयास को आप सही प्रयास के रूप में देखते हैं कि गलत प्रयास के रूप में। तो प्रयास का ठीक होना निरंतर सुख के लिए आवश्यक है, इसलिए इसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये सब जो कर रहे थे इसको छोड़ दें, बल्कि इसके साथ साथ इसको भी करने की आवश्यकता है। तो हम मिठाई खा रहे थे, ये खा रहे थे, वो पहन रहे थे, ये सब भी ठीक है, लेकिन साथ साथ कल्पनाशीलता पर ध्यान देकर उसको साहस प्रकृति के अर्थ में सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उसको जितना जितना करते हैं ये वाला काम पूरा होता है, साथ साथ ये भी चलता रहता है, और जितना इसको कर पाते हैं हम उतना अपने पक्ष और ठीक से ध्यान देना। तो जितनी बार हम लोगों ने पिछले सत्र में किया था, अब इस सत्र में हम लोग थोड़ा विश्वास और सम्मान की चर्चा को एक बार दोबारा से करके उस पर जो प्रश्न होंगे उसको करके फिर बाकी के जो भाव हैं ताकि हमारा परिवार सुखी हो। तो परिवार को सुखी करने के अर्थ में सुविधाओं को लेकर बहुत सारा सहयोग करते हैं एक दूसरे का, लेकिन ये बात ध्यान में आया कि सुविधाओं के सहयोग के साथ साथ भाव का लेन देन भी, भाव का आदान प्रदान भी परिवार में परिवार व्यवस्था के लिए उतना ही भाव है। अगर बिना भाव के सुविधाएं लेन देन हो रहा है और भाव के साथ हो रहा है तो दोनों के अंतर को आप देख पाते, एक बार सम्मान के साथ सब्जी परोसी गई, एक बार सम्मान के बिना सब्जी परोसी गई, उस दोनों का अंतर को आपको स्पष्ट होता ही। इसलिए भाव और सुविधा परिवार व्यवस्था के लिए दोनों का सुनिश्चित होना आवश्यक है, या सिर्फ सुविधाओं से काम चल जाएगा, दोनों का आवश्यक। अच्छा, सुविधाएं चूंकि आप कर ही रहे हैं, भाव वाला आप करना ही चाहते हैं, समस्या सिर्फ इतना है कि भाव को बिना समझे करने का प्रयास। तो जब बिना समझे करने का प्रयास करेंगे तो कभी सही होगा और कभी नहीं होगा, समझ कर प्रयास करेंगे तो बार बार सही होगा। अब भ्रम ये बनता है सामान्यतः घर में भी और अन्य जगहों पर भी, भाव को समझा नहीं जा सकता, भाव को क्लास में पढ़ा नहीं जा सकता, चर्चा नहीं की जा सकती, बताया नहीं जा सकता, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुविधाएं तो दिखती हैं आपको, भाव को आपको दिखता नहीं, ऐसा बन जाता है तो उसमें बाध्यता। लेकिन ठीक से देखा जाए तो विश्वास जैसा गहरा भाव उस पर चर्चा हो सकती है, उस पर प्रयोग किए जा सकते हैं, जांच पर हो सकती है कि अगर विश्वास मिल रहा है तो किस कारण से मिल रहा है, कहाँ गलती हो रही है वो पहचाना जा सकता है। तब हम लोगों ने पहचानने का काम किया था, विश्वास को समझने का काम किया था, तो उसमें ये बात ध्यान में आई थी कि विश्वास का आशय है आश्वस्त होना। आश्वस्त होना का क्या मतलब है, सामने वाला हमारा सुख, दूसरा व्यक्ति जो है वो हमारा सुख और समृद्धि चाहता है, ऐसी स्पष्टता हो जाने को ही क्या कह रहे हैं आश्वस्त हो। तो जिस जिसके बारे में हमको ये स्पष्टता हो पाती है तो हमको जिस जिस व्यक्ति के बारे में ये स्पष्टता हो पाती है कि वो हमें सुखी और समृद्ध करना चाहता है, हम उसी व्यक्ति के बारे में कह पाते हैं कि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और जो जो व्यक्ति हमारे बारे में कह पाते हैं कि हम उसको सुखी और समृद्ध करना ही चाहते हैं, वही व्यक्ति ये कह पाते हैं कि वो हम पर विश्वास करते हैं। फिर विश्वास को जांच से परखने के लिए हम लोगों ने ये 8 प्रश्न लिया, जिसमें ऊपर के ये 4 प्रश्न मेरे बारे में थे, नीचे के 4 प्रश्न दूसरे व्यक्ति के बारे में थे जो कि इसके साथ हम विश्वास का जांच परख रहे हैं, हमारे मम्मी हो सकते, पापा हो सकते, भाई हो सकते, मित्र हो सकते, तो दूसरे व्यक्ति। ये दो प्रश्न मेरे चाहना के बारे में जो मैं चाहता हूँ उसको लेकर, ये दो प्रश्न मेरे करना के बारे में जो मैं करता हूँ, तो
तो ये हमको स्पष्ट था कि चाहना और करना एक ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं। जितना हम चाहते हैं उसमें से कई बार कुछ कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति का भी चाहना और करना अलग है। बहुत सारा कुछ चाहता है उसमें से कुछ कर पाता है कुछ नहीं। तो ठीक जिस तरह से मैं सुखी होकर सुखी करना चाहता हूँ, योग्यता होती है परिस्थिति साथ देती है तो कर पाता हूँ, योग्यता नहीं होती है परिस्थिति साथ नहीं देती है तो नहीं कर पाता। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसका मतलब नहीं है ना कि चाहता है, खुद को सुखी नहीं कर पा रहे, दूसरे को सुखी नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप नहीं चाहते। चाहते तो है लेकिन कर नहीं पा रहे। तो आप गिलास तोड़ना नहीं चाहते, गिलास तो बनाए रखना चाहते हैं लेकिन गिर गया गिलास, टूट गया, आपसे भी गिलास टूट गया, गिर के दूसरे से भी गिलास गिर के टूट गया। तो ये नहीं हुआ कि आपने गिलास आपसे टूट गया और दूसरे ने गिलास तोड़ दिया, ये फिर गलत। एक जगह हम शंका कर रहे हैं दूसरे की चाहना, तो जिस तरह से हमसे परिस्थिति बस कुछ ठीक नहीं हुआ, दूसरे से भी परिस्थिति बस कुछ ठीक नहीं। दूध अगर मैं गर्म कर रहा हूँ तो गिर गया, तो मेरे लिए ना उबल के गिर गया तो दूसरे के लिए भी उबल के गिर गया, ये ठीक नहीं है कि मेरे मेरे से गिर गया और उसने गर्म हो गया। तो अभी क्या करते हैं, अपना जब भी आकलन करते हैं अपने चाहना को अलग और करना को अलग अलग करके देख लेते हैं, हमको स्पष्ट हो जाता है कि समस्या हमारे चाहने की नहीं है बल्कि समस्या हमारे करने की, इसलिए हमको अपने बारे में अच्छा अच्छा लगता रहता है। लेकिन जब दूसरे आदमी का मूल्यांकन करने जाते हैं तो वहाँ ये अंतर करके नहीं देख पाते कि समस्या करने में है कि समस्या चाहने में है, बिना उस अंतर को किए ही शंका कहाँ कर बैठते हैं हम उसके चाहने पर। और जैसे ही चाहने पर शंका होता है गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्रोध आना शुरू हो जाता है, झल्लाना शुरू हो जाते हैं, है ना। और ये सब करके संबंध में संबंध बना रहता है या संबंध में दुख होने लगता है। अगर एक बार ये स्पष्ट हो जाए कि जिस तरह मैं सुखी होकर सुखी करना चाहता हूँ दूसरा भी सुखी होकर सुखी ही करना चाहता है, अगर वो नहीं कर पा रहा तो ये उसकी योग्यता की समस्या है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे भी योग्यता की समस्या है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो ये क्वेश्चन मार्क बना रहेगा या यहाँ पे टिक मार्क लग जाएगा? तो एक बार दूसरे की चाहना पर हमको विश्वास हो गया कि जिस तरह मैं सुखी होकर सुखी करना चाहता हूँ, मेरी मम्मी भी वैसे सुखी होकर सुखी करना चाहता है, भाई भी वैसे सुखी होकर सुखी करना चाहता है, पापा भी सुखी होकर सुखी करना चाहता है, हमारे साथ पढ़ने वाले सभी बच्चे खुद सुखी होकर हमको सुखी करना चाहते हैं, शिक्षक भी सुखी होकर हमको सुखी करना चाहते हैं। तो ये अगर एक बार खत्म हो गया अब एक दूसरे पे गुस्सा आने वाला काम तो खत्म हो जाता है। अब जो भी समस्या दिखती है किसकी समस्या दिखती है, योग्यता होती है तो सामने वाला कर पाता है, नहीं होती है तो नहीं कर पाता। अगर इतनी स्पष्टता होती है तो हर बार ये ठीक करने की जगह हम क्या शुरू करते हैं, दूसरे की योग्यता बढ़ाएंगे, ये शुरू कर देते हैं। अभी समस्या क्या है, दो समस्या है, एक समस्या ये होती है कि दूसरा मेरे चाहने पर शंका करके गुस्सा हो रहा है, ये तो हमको बहुत जल्दी दिखता है, ये कहता है कि नहीं, अगर दूसरा गुस्सा हो रहा है तो हमको तुरंत दिखने लगता है कि हमारे चाहने पे शंका है। लेकिन अगर आप किसी के चाहने पे शंका कर रहे हैं तो आपको भी पता चलता है, किसको पता चलता है, दूसरे। इसका उदाहरण बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने भी घर जाकर के चर्चा किया होगा विश्वास के बारे में, चाहना और करना के अंतर के बारे में चर्चा किया होगा। ऐसे ही हम लोग पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे वर्कशॉप चला रहे थे, जैसे यहाँ चल रहा, तो पहले 4 दिन का चलाए थे फिर 8 दिन के लिए, तो 8 दिन वाले में बहुत सारे बच्चे वो ऐसे भी थे जो 4 दिन में पहले शामिल थे, दोबारा कर वर्कशॉप चल रही थी, तो उसमें लड़की थी वहाँ पर, उसने बताया कि जब मैंने पिछला वर्कशॉप 4 दिन का किया था तो हमको चाहना और करने का अनुभव बहुत अच्छे से समझ गया, और हमको लगा था कि अगर मेरे घर के लोग भी इसको समझ जाए तो व्यर्थ में जो एक दूसरे के ऊपर चीखते चिल्लाते रहते हैं झगड़ा करते रहते हैं धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो मैं बहुत खुश थी कि जब मैं हॉस्टल से घर जाऊंगी छुट्टी में तो घर में सबको ये बताऊंगी कि चाहना अलग है और करना अलग है, समस्या चाहने में नहीं है समस्या करने है, तो घर की बहुत सारी समस्या ठीक हो जाएगी। इसी बीच घर जाने से पहले हमारे स्कूल में कॉलेज में निबंध लिखने की प्रतियोगिता हुई ऐसे राइटिंग, उसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज में उसमें हमको कॉफ़ी पीने वाला जो भाग होता है वो मिला, उसको चाय पीते ना उसका भी बड़ा वाला होता है बड़ा सा, वो मिला उसको प्राइज।
बोले जब मैं घर पे आ गई थी तो मैं महसूस की कि वो कॉफी पर मैं जो प्राइस पे जीती थी वो घर वालों को दिखाने का एक्साइटमेंट कम था, लेकिन जो चाहना और करना का अंतर स्पष्ट हो गया था, ये बताने का ज्यादा था कि जाके बताऊं। जैसे गई मैंने कमरे में सामान रखा टेबल पे, कॉफी का मग जो मिला था वही रखा, और बढ़ के किचन में चली गई, मम्मी किचन में काम कर रही थी, तो जाके मैंने बताना शुरू किया कि हमारे यहाँ ऐसा कार्य साफ हो रही है, उसमें संबंधों पर बात कर रहे हैं, विश्वास पे बात कर रहे हैं, चाहना और करना का अंतर समझ में आया है, और जब से समझ में आया है मेरा गुस्सा कम हो गया है, दोस्तों के साथ झगड़े कम हो गए हैं, अब अलग तरह से संबंधित कार्य सब बताना शुरू किया उसने। तब तक उसका जो छोटा भाई था बाहर से कहीं से खरीद लिया और आया तो उसने देखा कि टेबल पर सामान पड़ा है, कॉफी का नया नया कप पड़ा है, वो उठा के देखने लगा और देखते देखते हाथ से टूटा और देखते टूटा। अब टूटा तो आवाज भी टूट गई, आवाज सुनी उसकी सिस्टर ने किचन में, किचन में थी मम्मी के साथ बात कर रही होगी वो लड़की, तो किचन में जैसे ही आवाज सुनी कि बाहर कुछ टूटने का आवाज आया, किचन से दौड़ के आई उस कमरे में, तो देखा था वो उसका जो कप था वो लगी चिल्लाने और बोलने लगी, देखो मेरा कप तोड़ दिया, मेरा कप तोड़ दिया, मेरा कप तोड़ दिया। पीछे से उसकी मम्मी जो इतनी देर से चाहना और करने का उसका लेक्चर सुन रही थी ना, तो निकल गया और आके बोली कि हो गया तेरा चाहना और करने का लेक्चर पूरा। तो हम मम्मी को तो खूब चाहना करने का अंदर बता रहे हैं, लेकिन जब कप टूटा तो संगा कहाँ कर बैठे सामने वाले ने चाहा, इसने चाह करके जान बूझ के मेरा कप तोड़ दिया। और जैसे उसको शंका हुआ हमारा गुस्सा होता है या निकल आया, तो दूसरे को बताना कितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम ये देख पाए कि हम भी तो दूसरे की चाहना पे शंका नहीं करें। आपको पता है आप सब तो क्लास में रहे हैं, बार बार मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर ध्यान देते हैं तो हम ध्यान नहीं देते, उस पर बोर्ड पे कुछ कुछ चित्र बना के रखते हैं, उस पर पेंसिल से उसे कुछ बनाने लगते हैं। अब इससे आपके बारे में चर्चा निकाला जा सकता है, आप क्लास में चर्चा में भी भाग लेना चाहते हैं, आप कार्य फॉलो नहीं करना चाहते, और अगर आपके चाहने पे शंका हो जाए तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, तो आपसे कहा जाएगा कि हाँ खड़े हो पीछे कुश्ती पे चले जाओ, खड़े हो जाओ वहाँ जाकर कहा जा सकता है, लेकिन हमको स्पष्ट है क्या क्या डर गए हैं, कल का चिंता करके चली जाती जैसे भी चली गई बताती आपको जो दिख रहा है वो आप बना रहे हो, आप दिख रहे हो, तो ये चाहने की समस्या और आपकी योग्यता की समस्या। जैसे ही देखता हूँ बहुत सारे लोग इधर उधर देखो आपके चले गए, मैं कोई छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, जिन पर कितने बच्चे डांट खा सकते हैं, 20 बच्चे डांट खा सकते, लेकिन अगर आपको चाहना पर शंका नहीं है और हमको ये स्पष्ट है कि समस्या आपके योग्यता है, तो बात हो सकती है सभी से ये स्पष्ट होगा, तो इस बात को ठीक से सुधारने की जगह ठीक से अपने अंदर जांचने की आवश्यकता है कि समस्या वाकई में किसी के चाहने में होती है या उसकी योग्यता है। आपको लगता है क्या कि आप किसी को ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी चाहना ही खराब है, जिसका चाहना ही ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके ध्यान में घर में स्कूल में समाज में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपको लगता आपके नहीं है इस तरह के लोगों का तो चाहना ही गलत है, कोई भी व्यक्ति आप लोग बता सकते हैं ऐसा जिसके बारे में आपको ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं इसका चाहना तो कोई नहीं चाहता, इसका चाहना तो खराब ही है।
कि आपको लगता है सबका चाहना ठीक हो जाता है। क्या जो जेल में बंद है अपराधी कठोर दंड काट रहे हैं उनकी चाहना ठीक होती है कि नहीं होती ऐसा लगता है, लेकिन वो भी तो कभी किसी समय हमारे आप जैसे बच्चे ही रहे हैं, ऐसे रहे होंगे, एक समय बहुत बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको माँ बाप ने ठीक से शिक्षा दे दी, शिक्षा उनको अच्छे मिल गए, दोस्त अच्छे मिल गए, है ना, तो एक जगह चले गए, माँ बाप से उनने ध्यान नहीं दिया, ठीक से शिक्षा नहीं दी, शिक्षकों ने ठीक से ध्यान नहीं दिया, दोस्त भी वैसे ही मिल गए, समस्या उनके चाहने की है कि उनकी योग्यता की आप जैसे दोस्त मिल गए होते नहीं मिले नहीं मिले तो ये उनके चाहने की समस्या नहीं, समस्या किसकी है नहीं वैसे कुछ की योग्यता ठीक हो जाए तो बाहर और बहुत सारे लोग तो जेल में बंद नहीं है, योग्यता ठीक नहीं है तो जेल वालों से ज्यादा खराब काम करते है ना, नहीं तो उनमें भी देखेंगे तो समस्या उनकी योग्यता की है चाहने की, और तो ऐसा लगता हूँ जहाँ आपको लगे समस्या चाहने की आप किसी को पढ़ाते होंगे या तो समझाते होंगे घर में छोटे भाई को दस पाँच समझा रहे हैं आपने किसी को दस बात समझा पर वो नहीं समझ रहा तो दो विस्तार हो सकते हैं, एक कि वो समझना नहीं चाहता, दूसरा आप समझा नहीं पाए, दोनों संभावना है, एक वो समझना नहीं चाहता दूसरा आप समझा नहीं पाए, दोनों संभावना हो सकती है, एक ही होगा, आप कौन सा निकाल कर जाते हैं, जैसे ही शंका इस पर चला गया तो समझना नहीं चाहता आप अपने, जबकि वही व्यक्ति जो आपसे दस बार समझाने में भी नहीं समझ रहा कोई उसका दूसरा दोस्त आता और एक बार नहीं समझाने चला जाता, समस्या उसके चाहने में है या आपकी योग्यता कम कर दी है और आप नहीं समझा पाए, आप अगर ध्यान में आ जाए तो हम अपनी योग्यता को और अगली बार उसी बात को और विधि से समझाते हैं और तरीके से बताते हैं, लेकिन हमने उसके चाहना पे शंका कर लिया तो उसका विकास तो नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ, हमारी योग्यता की कमी रहती है, सही है, तो धीरे धीरे सारी बातों को ध्यान रखना, फिर जब हम लोग आगे बढ़े अगले भाव की चर्चा की जिसको हम लोगों ने कहा सम्मान का मतलब है सही सही आकलन करना, तो जब हमारा सही सही आकलन होता है जैसा हम है वैसा आकलन होता है तो हमको लगता है ये हमारा सम्मान, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं आपके बारे में हर कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएंगे जो आपको पता है कि आप वैसे और कोई दूसरा व्यक्ति दिख जाए जो आपको जानता है और उसके सामने ही आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही है और उसको पता है कि आप वैसे नहीं है, आपको आराम कैसा लगता है, बेचैनी होने लगती तो ये हमारे बारे जो अधिक बता बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है इसको सम्मान कहें कि अपमान कहें, कई बार हम जैसे हैं उससे घटा के बताने लगा जाता है ना, ये भी क्या है, कई बार हम जैसे नहीं हैं उससे बिल्कुल अन्यथा बताने लगते हैं ये भी क्या है, तो कभी कभी घर में छोटा बच्चा है वो कुछ करता है माँ बाप खुश हो जाते हैं बोलने लगते हैं राजा बेटा सुना होगा ना, आपको तो राजा बेटा अपने को राजा ही मान लेता है ना, अब राजा बिना प्रजा के तो रहेगा नहीं तो प्रजा ढूंढेगा, समस्या कम है क्या होती है, जो बच्चे होते हैं ना ये सब अपने घर में तो राजा होते हैं, माँ बाप के तो राजा बेटे ही होते हैं और ये सब राजा बेटा क्लास में इकट्ठा हो जाते हैं, अब क्लास में 40 राजा बैठ गए अब थोड़ी समस्या हो गई,
40 राजा है, प्रजा हुए नहीं है ना, तो झगड़ा होता है। झगड़ा अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से झगड़ा शुरू होता है। क्यों? क्योंकि घर में राजा है तो क्लास में भी राजा ही दिखना चाहते हैं, तो सब ये चाहते हैं कि बाकी सब उसकी सुने। दूसरा जो कह रहा है उसको वो सुन ले, इसमें उनको अपमान है, क्योंकि खुद को क्या माने बैठे राजा, क्योंकि माँ बाप ने बार बार कह दिया राजा बेटा राजा बेटा। तो ये कैसा आता है, कब आता है? अधिकार। जिसको राजा बेटा कह दिया गया, वो बार बार अपने अपना ही सुना रहा और उनको सुनने को तैयार नहीं क्लास में, तो कहाँ चला गया? बहुत सारे घर में माँ बाप जो है ना बच्चों को बोलते रहते तो कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता, तुम नालायक हो। शिक्षक भी कई बार बोल देते हैं ये सही आकलन है कि कम आकलन है, और जिसका बार बार कम आकलन होता है वो कहाँ चला जाता है? चुप रहने लगता है, अलग थलग रहने लगता है, मन ही मन सोचता है कि हमको तो कोई समझ ही नहीं रहा, हम पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, हम इस काम को नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये थोड़े कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बहुत सारी और चीजें तो कर ही रहे हैं लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो अलग थलग हो जाता है, चुप रहने लगता है, मतलब किनारे बैठने लगता है। इसी को क्या कहा? डिप्रेशन। किसी ने दो चार लाख के बढ़ाए कह दी, अरे क्या हुआ तो थोड़े नंबर कम जाते हो तो क्या है, खेलने में तो इतने अच्छे हो, स्कूल का इतना नाम करते हो, तुम्हारे जैसे बच्चे स्कूल में रहते हो तो पूरे शहर का स्कूल में नाम होता है, तो वो डिप्रेशन से उछल के कहाँ चला जाता है? ईगो। फिर कोई दूसरा आदमी मिल जाता है बोले, लेकिन वो तो बहुत बदमाश है ना, दौड़ भाग करते रहते हो, रोज झगड़ा करते हो, तुम्हारे झगड़े के कारण पूरा स्कूल परेशान है, ये सुनते ही कहाँ आ गए? डिप्रेशन। वो इसलिए ऐसी भक्ति होती है दूसरों के बोले गए शब्दों से, किसी की दो लाइनें आपको ईगो को पहचान, कोई दो लाइन बोलकर आपको डिप्रेशन, तो ऐसा गोल गोल जैसे आप देखेंगे किसी भी क्लास में नया पहन के आते बाकियों में नया है, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाता है और आप बिल्कुल तंग चलते हो, और किसी दिन आप नया नहीं पहन के आए दूसरे नए पहन के आ गए हैं उस दिन झुक जाते हैं, अब ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, आत्मविश्वास नहीं। आत्मविश्वास होगा तो कोई नया पहना है कोई पुराना पहना है वो उससे बदलेगा या बना रहेगा? ये कैसा विश्वास है? दूसरों की तुलना में कि दूसरों से नया है आपका तो आपका अच्छा लगने लगा, दूसरे से पुराना है तो खराब है, ये आत्मविश्वास नहीं है ना, ये बल्कि दूसरे से तुलना करके हो रहा है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रिलेटिव कॉन्फिडेंस, असल कॉन्फिडेंस जो हम पर निर्भर करता है, दूसरा चाहे बहुत बड़ा हो चाहे बहुत छोटा हो हमारे कॉन्फिडेंस पे कोई अंतर उसे नहीं पड़ता, ऐसे कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं? सेल्फ। तो जैसे आपने उसको क्लास में जितना पढ़ाया था पूरा का पूरा समझ में आ रहा है तो उससे जो कॉन्फिडेंस बना वो कौन सा बना होगा? सेल्फ। और अगर आपने देखा कि क्लास में बाकी बच्चों ने 50 नंबर आ गए फिर एक क्या बना गए उससे जो कॉन्फिडेंस बना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की रिलेटिव कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगले एग्जाम में किसी के 55 आ सकते हैं, आपके 51 ही रहा, 55 आते ही आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप किस उद्देश्य से पढ़ाई की क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है पूरा समझ में आया तो उससे जो कॉन्फिडेंस बना उसको क्या कहा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी के नंबर जो आपसे कम आए या जो अधिक आए आपको समस्या नहीं होती बल्कि आपका ध्यान इस पर रहता है कि पूरा का पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कौन सा वाला ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस उनको समझ में आ जाए या बाकी क्लास के बच्चों से एक नंबर अधिक आ जाए? पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ, उसको कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक बार जब हम अपना सही सही आकलन कर लेते हैं तो उससे जो कॉन्फिडेंस बनता है जो विश्वास बनता है उसी को कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। तो हमको हमारे बारे में ठीक पता रहता है कि हमारी क्या ताकत है, हमारे में क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या नहीं है, सब पता रहता है। तो कोई आदमी खड़ा होकर आपके बारे में चार बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो
तो आपको दिख जाएगा कि जो बड़ी बड़ी बातें हमारे बारे में कर रहा है सिर्फ गुब्बारे में हवा भर रहा है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं। तो आप ईगो में नहीं जाएंगे, अपने ही स्थिति में बने रहेंगे। आपको दिख जाएगा कि तो बस ऐसे अपना काम निकालने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो उसकी कहीं भी बड़ी बड़ी बातें आपको ईगो में लेके, अगर कोई आपके बारे में चार खराब बातें कर रहा है आपको पता लग जाएगा कि परेशान है, मेरे से दुखी है या किसी और से दुखी है, इसलिए मेरे बारे में गलत गलत बातें कर रहा है, मेरी स्थिति तो ऐसी नहीं है, देख ही नहीं पा रहा। तो आप कहाँ नहीं जाएंगे? डिप्रेशन से नहीं जाएंगे, दोनों ही स्थिति से निकल के कहाँ बने रहेंगे? सही आत्मा, क्या कहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या कहें, आत्मविश्वास। वो भी किसी बड़ी बड़ी बातें कहने से या खराब खराब बातें कहने से हिलेगा नहीं। अभी आपका आत्मविश्वास बना रहता है या दूसरे जो बोलते हैं उससे हिलता डुलता रहता है? दूसरे बोलते हैं उससे हिलता डुलता रहता है। तो आपके स्वयं के आधार पर सही मूल्यांकन होगा या शरीर के आधार पर? क्योंकि आपने शरीर और स्वयं दोनों मिला, शरीर भी है और स्वयं भी है। सही मूल्यांकन का आधार शरीर है कि स्वयं है? स्वयं। शरीर छोटा हो सकता है लेकिन समझदारी आपसे बड़ी, किसी का शरीर आपसे बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि समझदारी उतनी हो, समझदारी शरीर में है कि सेल्फ में? सेल्फ में। इसलिए आकलन अगर करना है किसी का तो शरीर के आधार पर किया जाए कि सेल्फ के आधार पर? सेल्फ के आधार पर। शरीर के आधार पर ठीक आकलन होगा कि स्वयं के आधार पर ठीक आकलन? स्वयं के आधार पर। तो सम्मान जो है अगर सम्मान अर्थात सही सही आकलन, सही सही आकलन स्वयं के आधार पर, स्वयं अर्थात मन के आधार पर, कैसे हम लोग पहले समझते हैं लिखने का काम बात। जैसे एक मुद्दा तो है लक्ष्य, क्या लक्ष्य है आपका? हम मैं निरंतर सुख समृद्धि चाहता हूं, सिर्फ आप ही निरंतर सुख समृद्धि चाहते हैं कि दूसरा भी नहीं चाहता? दूसरा भी चाहता है। दूसरा भी नहीं चाहता निरंतर सुख समृद्धि चाहता है। दूसरा मुद्दा है कार्यक्रम, आप लोग मेरे साथ साथ लिख सकते that
Thank you.
स्वयं के आधार पर
आपके सेल्फ में कितनी समझदारी है, कितना समझ पा रहे हैं, कितना जी पा रहे हैं, इसी का आकलन होगा ना। तो जब आकलन करने जाएंगे सेल्फ का, तो हम ये देखेंगे आपको अपनी जिंदगी का लक्ष्य कितना स्पष्ट है, और अपना सारा कार्य उस लक्ष्य के अर्थ में ही करते हैं या लक्ष्य कुछ और है, कर कुछ और रहे, ये सब देखना पड़ेगा। तो क्या है लक्ष्य आपका? आप सुखी होना चाहते हैं और सिर्फ आप ही का ऐसा लक्ष्य है या दूसरे का भी यही लक्ष्य है? दूसरे का भी यही लक्ष्य है। यानी कि आपका लक्ष्य और दूसरे का लक्ष्य अलग अलग है, एक जैसा है? एक जैसा है। दूसरे का लक्ष्य भी दूसरे जैसा है। अब ये जो मेरा लक्ष्य है सुखी होना, समृद्ध होना, उसके लिए सही समझना होगा और सही करना होगा, या सही समझना होगा और सही क्या सही समझना होगा? मानव को, परिवार को, समाज को, प्रकृति और अस्तित्व को, जितना सही समझ पाएंगे उतना सही जीवन। तो इस निरंतर सुख समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए, इसको निरंतर सुख समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए मेरा कार्यक्रम क्या है? सही समझना और सही, यही मेरा भी, मेरा ही कार्यक्रम होगा या दूसरे के सुख समृद्धि का भी यही कार्यक्रम होगा? यही होगा ना। वो भी तो तभी सुखी होगा जब सही समझेगा और सही जिएगा। ठीक है, तो जिस तरह से मेरा और दूसरे का लक्ष्य एक जैसा है, उसी तरीके से सुखी समृद्ध होने का मेरा और दूसरे का कार्यक्रम भी एक जैसा है। ठीक, अब सही समझने का काम हाथों से होता है, कल्पनाशीलता से होता है। आप जो भी कॉपी में लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको कहाँ ले जाके चलाते हैं? अगर कल्पनाशीलता उसमें ठीक से लगा रहे हैं, ठीक से निष्कर्ष बना रहे हैं, तो समझ में आ जाता है। ऐसे होता है, जो समझ में आ गया है उसको परीक्षा में लिखना है, तो उसमें भी क्या देखते हैं? कल्पनाशीलता। तो समझने का काम, जीने का काम, बताने का काम, ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? कल्पनाशीलता। और कल्पनाशीलता आपकी कभी कभी चल रही, लगातार चल रही, सिर्फ आपकी की चल रही है, दूसरों का भी चल रहा है? तो आपकी जो क्षमता है सही समझने, सही जीने की, आपकी निरंतर चल रही कल्पनाशीलता है। दूसरे की जो क्षमता है सही समझने और सही जीने की, क्या है? निरंतर चल रही कल्पना। आपका भी कल्पनाशीलता निरंतर चल रहा है और दूसरे का, इसलिए आपका और दूसरे का क्षमता अलग अलग है, एक जैसा है। तो लक्ष्य एक जैसा, कार्यक्रम एक जैसा, क्षमता भी एक जैसा, इसलिए इस लाइन को लिखा, लक्ष्य कार्यक्रम और क्षमता के लगातार। जब हम किसी भी, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, बड़े लोग हैं, जब हम सबको ये देख पाते हैं कि इनका लक्ष्य तो मेरे जैसा है, कार्यक्रम भी मेरे जैसा है, क्षमता भी मेरे जैसा है, तब हम दूसरे को अपने जैसा स्वीकार पाते। तो दूसरे को अपने जैसा स्वीकार के बात करना है, यही क्या है? दूसरे का आपको कोई अपने जैसा स्वीकार के जब बात करता है तो आपको कैसा लगता है? सम्मान। जब वो अपने जैसा नहीं स्वीकारता है, अपने को थोड़ा अलग करता है और आपको अलग, तो उसी को क्या कहा? भेद, डिफरेंशिएट करना, भेद करना, है ना। जब आपसे भेद किया जाता है तो आपको सम्मान लगता है, अपमान लगता है? सम्मान। और ये अपमान आपको सहज स्वीकार होता है क्या? अपमान देखेंगे, ये भेद देखेंगे, तो कई आधार पर हो सकता है। एक आधार है शरीर के आधार पर, है ना, शरीर के आधार पर भी भेद कई तरह के हो सकते हैं। एक आयु के आधार पर, जिसकी आयु अधिक है उसका सम्मान करेंगे, और जिसका छोटा आयु है, तो छोटा है, उसका अपमान करेंगे। बल्कि तो हम लिख के भी पढ़ते पढ़ाते हैं कि आप बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करो या सभी का सम्मान करो? सभी का सम्मान करो। तो अभी जैसे आप बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं तो कैसे कहते हैं? इधर आइए। छोटे भाई बहनों को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? इधर आओ। आगे क्या हो गया? आयु के आधार पर ये दूसरे को अपने जैसा स्वीकारना हुआ, बड़े को और छोटे को दोनों को, या भेद हो गया, इसलिए उसको अपमान जैसा। जबकि आप देखेंगे ना घर में कभी ध्यान देंगे, सम्मान की अपेक्षा तो छोटे भाई, छोटे भाई बहनों को भी, बुजुर्गों को भी, घर में देखेंगे कभी कोई व्यस्त आता है
लैपटॉप भी बंद कर दो, कोई गेस्ट आता है घर में कभी तो कैसे चलता है? घर के जो मम्मी पापा है वो सामान्यतः जो बड़े लोग हैं गेस्ट से उनका परिचय करा देते हैं कि ये है ये है ये है, और छोटे बच्चों का परिचय कराना भूल जाते हैं। तो एक जैसा स्वीकारना हुआ, भेद करना हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ता है कभी आप ध्यान दीजिएगा। तो छोटा बच्चा चाहे कहीं खेल रहा हो लेकिन जब उसका परिचय नहीं कराया जाता ना तो दौड़ के वही चला आता है जहाँ गेस्ट बैठे रहते हैं ड्रॉइंग रूम में, वही गोल गोल घूमने घूमने लगेगा, वही खेलने लगेगा। अब गोल गोल घूम रहा है खेल रहा है ऐसा बोले, वो तो चाहता है कि उसको भी अपने जैसा सिखाया जाए, उसका परिचय कराया जाए, लेकिन मम्मी पापा को ध्यान नहीं आता, आपके ऊपर ध्यान नहीं आता, उसका भी परिचय होना है। तो क्या करेगा, जो गेस्ट आए हैं और जो आप लोग बैठे बीच से आगे जाने लगेगा, आप वो ध्यान दिला रहे हैं कि उसका अपमान हो रहा है, आप परिचय कराइए उसको, लेकिन आपको भी पता चलता है तो उसी कमरे में से कोई सामान उठाएगा गिरा देगा टूट जाएगा, मम्मी पापा चिल्लाएंगे कि आ गए ये यहाँ पर शैतान है, करने बड़ा शैतान है, अब इसका परिचय हो गया अब चला जाएगा। तो छोटे बच्चे ने भी क्या अपेक्षा है उसके साथ भेद किया जाए कि अपने जैसा स्वीकार है। जो बुजुर्ग लोग बहुत बुरे हो जाते हैं उन्हें तो यही अपेक्षा है कि उनको भी अपने जैसा स्वीकार, कई बार क्या करते हैं घर में उनको कहीं किनारे का पता नहीं, घर में गेस्ट आते हैं तो हम सबसे परिचय तो करा देते हैं, तो बुजुर्ग व्यक्ति का परिचय कराना आप जो परिचय नहीं कराते तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है ये उनका अपने जैसा स्वीकारना हुआ या उनके साथ भेद करना उनको आम लगता होगा कि परेशानी होती होगी, क्या करते हैं ध्यान दिलाने के लिए ना खांसने लगेगी, खांसी भले ना आ रही हो लेकिन खांसने लगेगी, अब खांसी नहीं आ रही वो तो ध्यान दिला रहे हैं कि आपने उनका परिचय नहीं कराया, उनके साथ भेद हो रहा है, लेकिन आपको कभी ध्यान नहीं आएगा तो उसी कमरे में से चिल्लाएंगे पानी ले आओ प्यास लगी है, आपने पानी अभी तो देके आए हो वही रखा है क्यों चिल्ला रहे, अभी पानी के लिए नहीं चिल्ला रहे, किसके लिए चिल्ला रहे हैं के लिए कि भाई उसके साथ भेद हो रहा है, और भेद किसी को भी स्वीकार नहीं चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो बच्चे के साथ भी अगर भेद होता है तो वैसे ही परेशान होता है, बड़े के साथ भी भेद होता है तो दोनों परेशान हो जाएगा। अभी ठीक तो देखेंगे ना, तो घर में एक आम बात आपको करते हैं, जैसे घर में कोई छोटा भाई जाता है आप टीवी देख रहे हैं, कभी आप बाहर से घूम के आए आपका छोटा भाई टीवी देख रहा है तो रिमोट किसके कब्जे में चला जाता है, आपके कब्जे में आ जाता है, आप देख रहे हैं थोड़ी देर बाद पापा आते हैं आप रिमोट किसके कब्जे में चला जाता है, आपको कैसा फील होता है, और थोड़ी देर पहले छोटे भाई को कैसा फील हुआ था, आपको अपना वाला पूरा प्यार रहता है छोटे भाई वाला नहीं है, तो छोटा भाई है ना कभी उससे पापा रिमोट छीन लेते हो क्या करता है, मैं कार्टून देखता रहता हूँ, कार्टून में कौन कौन से आते हैं छोटा भी लोबिता और मोटू पतलू, तो अच्छा होता क्या होता है कि लड़ाई होती है बचाने जाते हैं कभी बचा पाते हैं कभी छूट जाते हैं, फिर उठ चलता तो पापा आएंगे पापा तुरंत रिमोट छीनेंगे और उसको डांट देंगे भाग भाग पड़ो, फिर रिमोट देखते रहते हो टीवी देखते रहते हो क्या होता है इससे है कुछ तो कर नहीं पाते हो ये सब फालतू देखते रहते हो, उसने उसको मार दिया तो क्या करेगा है ना, वो उसको मार रहा कौन बचा ले रहे हो कुछ तो कर नहीं पा रहे जाओ करो अच्छा चैनल लगा के न्यूज लगा के बैठ जाते, वो बच्चा भी छोटा भाई आपका चला गया दूसरे कमरे में वो क्या सोचता है कि ताकि ये तो न्यूज देख रहे हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पे बम गिरा दिया, ये क्या कर रहे हैं, पापा कुछ कर पाते हैं उसमें, आप कुछ कर पाते हैं, आप उधर सीरियल लगाते हैं उसमें कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है कुछ कर पाते हैं, तब तो आप भी कुछ नहीं पाते, छोटा भाई भी कुछ नहीं पाता, पिताजी भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है जो छोटा भाई है उसके साथ उसके दोस्त छोटा भी बड़े भी है ना इन सब की बात करते हैं इसलिए उसको महत्वपूर्ण लगता है, पिताजी के दोस्त सब किसकी बात करते हैं उसको महत्वपूर्ण लगता है, आपके दोस्त कुछ और सीरियल की बात करते हैं इसलिए आपको महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन अगर ठीक से ध्यान दे दिया जाए तो आप छोटे भाई के साथ बैठ के उसका कार्टून भी देख सकते वो फिर एक पॉइंट के बाद हमारे साथ बैठकर हमारा सीरियल भी देख सकता है, कब होगा कि तब होगा जब हम छोटे भाई के साथ बीच बीच में उसके कार्टून की बात करना शुरू करें, उसके कार्टून में आप क्या होगा
क्या अच्छा हुआ क्या खराब हुआ, जब दो चार बार आप बात करते हैं तो फिर आप जो सीरियल देखते हो वो आपके बारे में बात करते हैं, तो आप भी उसके साथ बैठ कर उसका सीरियल देख पाते हैं, आपको देख पाते हैं, वो भी आपके साथ बैठ के आपका सीरियल देख पाते हैं। तो ये आयु का जो एज का भेद है ये पता रहता है कि फिर खत्म हो सकता है। अभी घर में देखेंगे तो घर में तीन तरह के दीवारें खड़ी हुई, छोटे बच्चों का अलग ग्रुप बन जाता है, बड़े बच्चों का, बुजुर्गों का, एक ही घर में तीन दुनिया बसती है। ये तीनों अलग अलग दुनिया घर में रहना ठीक है कि तीनों दुनिया का एक हो जाना ठीक है? तीनों दुनिया का एक होना। इसलिए आयु के आधार पर ये भेद तो हमको सहज स्वीकार होता है, ऐसे ही वंश के आधार पर कोई गोरा है तो सम्मान करेंगे, काला है तो क्या करेंगे, बोलेंगे खाने लगे लगाओ। ये धरती पे सभी लोग गोरे हो सकते? अच्छा कोई आदमी पूरी जिंदगी क्रीम लगाए तो गोरा हो सकता है? हम तो 40 साल से ऊपर के हो गए, हमने एक भी आदमी को नहीं देखा जो सामने से गोरा हो गया हो क्रीम लगा। लेकिन क्रीम तो लगा रहे उसी नाम पे बेच बेच के, पता है 5 ग्राम क्रीम खरीदते हैं 10 रुपए, तो क्रीम का डिब्बा होता है 5 ग्राम का होता है, 5 रुपए या 10 रुपए काटो कौन सा इतना ही तो आता, तो 1 किलो लगभग 1000 रुपए का हुआ। पैसा नहीं था तो नहीं बन पाया, खूब डांस किया पैसा खूब आ गया, खूब क्रीम लगाया नहीं बन पाया, तो किसी ने कहा प्लास्टिक सर्जरी करा। प्लास्टिक सर्जरी जानते हैं ना, दूसरी खाल करवा लो, करवा लिया उसने तो सड़ गया और उसी से मार दिया। ये जो रंग का भेद आदमी के मन में इतना गहरा बैठ जाता है, उसे कितना पीड़ित होता है, ये कब हो जाता है दूसरी तरफ देखेंगे ना घर में। तो जैसे कोई एक तीन भाई बहन है, एक कोई गोरा है कोई सांवला है, तो कोई बाहर से आता है गोरे वाले को ध्यान दे दिया, सांवले वाले पे नहीं ध्यान दिया और थोड़ा बोल भी दिया, अरे बेचारे का रंग तो दब गया, उसको कैसा लगता होगा? हमारे मित्र है ना किसी का हाइट लंबा है तो सम्मान करेंगे, हाइट छोटा है तो ये सब का हाइट एक जैसा हो सकता है क्या? ये सब शरीर के आधार पर किया जाने वाला होता है, ये तो नहीं हो सकता है। ऐसे देखेंगे तो लड़का लड़की का भेद है ना, तो लड़कों का सम्मान करेंगे एक तरह से बात करेंगे, लड़कियों का नहीं करेंगे दूसरी तरह से बात करेंगे, या आजकल हो गया है कि महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो तो पुरुषों का क्या करो? ये दोनों का ही सम्मान करते हैं ना, ऐसे जो पढ़ने में तेज है या शरीर से बलशाली है उसका सम्मान करो, और जो शरीर से थोड़ा कमजोर है उसका सम्मान नहीं होगा क्या? ऐसे देखेंगे कि सब भक्त जिसके पास है उसका सम्मान करेंगे, भक्त जिसके पास है उसका सम्मान करेंगे, बाकी तो करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे ही जो मेरे जात को मेरे संप्रदाय को मानने वाला उसका सम्मान करेंगे, जो मेरे जात को मेरे संप्रदाय को नहीं मानने वाला उसका अपमान करेंगे। ये तो भेद ही हुआ ना, क्या सबको एक ऐसा स्वीकार पाएंगे? ऐसे ही वाद के आधार पर मेरे वाद को मानने वाला है तो मान करेंगे। अब ये सब इतना कुछ कर रहे हैं, ये सम्मान है तो भेद है। अब आप बताइए आज के दिन आप लोगों का जो सम्मान अपमान करते हैं उसमें सम्मान का आधार ये मान के चलते हैं, मतलब इसको ध्यान में रख के चलते हैं या इस सबको ध्यान में रख के चलते हैं?
सही कौन सा है दोनों? वो वाला। इधर वाला कि इधर वाला? वाद मतलब क्या? जैसे कि किसी कोई एक तरह के जो सोचने वाले लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिंदगी का सारा सुख सुविधा में, तो उसको कहते हैं सुविधावादी लोग, है ना? तो उसको वाद, एक तरह का जो विचार रखने वाले लोग होते हैं उसको वाद। अब इसको देखेंगे तो एक संवाद को तय करने का ही तरीका है और एक तो दोनों में से कौन सा वाला ठीक है वो आपको और करते कौन सा है आजकल लोग ज्यादा तो करता सम्मान चाहते कहते उससे आप देखेंगे तो भेद और बढ़ता है अपमान और ठीक है ना। अब एक प्रश्न और एक प्रश्न क्या बनता है अगर दूसरे का लक्ष्य मेरे जैसा है कार्यक्रम मेरे जैसा है क्षमता मेरे जैसा है अर्थात लक्ष्य कार्यक्रम क्षमता के आधार पर दूसरा मेरे जैसा लेकिन एक तीसरी बात इसमें आता है लिखने का काम बाद में करेंगे एक चौथी बात इसमें आती है जिसको कहा गया योग्यता। तो लक्ष्य कार्यक्रम क्षमता तो एक जैसा है क्या योग्यता भी सबकी एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग में देखेंगे तो दो संभावना किसी की योग्यता मेरे से अधिक होगी किसी की योग्यता मेरे से कम होगी। ये दोनों ही तरह के लोग जिंदगी में मिलेंगे या खाली कम वाले लोग मिलेंगे? जैसे घर में करते रहते हैं जो आपसे अधिक योग्य है उससे दोस्ती करें जो आपसे अधिक योग्य है उससे दोस्ती करें ऐसी दोस्ती करनी चाहिए क्यों? तो उसके बाद आप भी यही कह रहे होंगे भाई आपके बाद आपने कहा आपके अधिक योगी जो आपसे उससे दोस्ती करो उसके बाद आप भी यही कहते हैं कि जो तुमसे अधिक योगी है उससे दोस्ती होगी कभी? आप करने जाएंगे वो इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो अपने से अधिक योगी को ढूंढ रहा है ना। अब वो जिसको ढूंढ रहा होगा वो इसके में इंटरेस्टेड नहीं है वो ठीक ये अपने से अधिक योगी के साथ भी दोस्ती की जाए और जिसकी योग्यता अधिक है उस दोस्ती में उससे समझेंगे सीखेंगे और जिसकी योग्यता कम है उस दोस्ती में उसको समझाने सिखाने की जिम्मेदारी है। ये दोनों आवश्यक है कि एक से काम चलेगा? इसलिए दोस्ती करते समय दोनों ही तरह के लोग मिलेंगे जिनकी योग्यता हमसे अधिक है और जिनकी योग्यता हमसे कम है। तो जिनकी अधिक है उनके साथ दोस्ती में क्या करेंगे? उससे समझेंगे और सीखेंगे और जिसकी योग्यता हमसे कम है उसके साथ क्या करेंगे? उसको समझाने और सिखाने की जिम्मेदारी लेंगे। तो दो तरह की योग्यता के लोग हैं। पहला लिखने का काम बाद में कर लेंगे दूसरे की योग्यता जिसे अधिक लिखने का काम प्रारूप कर लेंगे दूसरे का योग्यता अगर मुझसे अधिक है तो मैं क्या करूंगा? दूसरा व्यक्ति जो मेरे साथ दोस्ती में है उसकी योग्यता मुझसे अधिक अगर उसकी योग्यता अधिक है तो मैं उसको समझाऊंगा सिखाऊंगा या कुछ समझते सीखने के लिए तैयार रहूंगा? उससे समझने के लिए तैयार होगा और दूसरा ऐसा होगा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी योग्यता आपसे कम होगी उनके साथ क्या करेंगे? समझाएंगे सिखाएंगे सीधे समझाने सिखाने लग जाएंगे। आप तो उसको सिखाने समझाने जा रहे हैं लेकिन अगर उसने ऐसा मान नहीं रखा है कि आपकी योग्यता उससे अधिक है तो आपसे सीधे समझने को तैयार होगा? नहीं। तो आपने मान रखा है कि वो कम समझदार है और उसने मान रखा है कि आप कम समझदार हैं
तो आप उसको समझाने जाएंगे और वो आपको समझाने आएगा, उसमें समझाना होगा, झगड़ा होगा। तो दूसरे को समझाने से पहले ये बात समझना कि जिसकी योग्यता आपसे कम है वो आपसे अधिक गलती करेगा कि कम गलती करेगा? अधिक गलती करेगा। उसकी गलती करने के बावजूद भी हम बिना गुस्सा किए उसके साथ जब जिम्मेदारी से जीते हैं तो धीरे धीरे वो हमको अपने से अधिक योग्य स्वीकार करता है। मेरी बात समझ में आ रही? हमको अगर ये पता है कि सामने वाले की योग्यता हमसे कम है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमको ये पता है कि वो हमसे अधिक गलती करेगा, पहले से पता है, इसलिए हम उसकी गलती से परेशान नहीं होते बल्कि हम उसके साथ जिम्मेदारी से। अब जब हम उसके साथ जिम्मेदारी से देखते हैं उसकी गलती से बिना परेशान हुए, बिना गुस्सा किए, तब जाकर के हमको वो अपने से अधिक योग्य स्वीकार करता है। तब एक स्थिति बनती है जब वो परेशान होता है तो खुद ही आकर हमसे अपनी बहुत सारी बातें कहना शुरू करता है। अब हम उसको आप सीधे समझाना शुरू करेंगे तो समझना तो दूर, झगड़ा ही होगा। ये बात समझ में आ रही? तो पहले समझा हो गए दूसरे की योग्यता, लिख सकते मुझसे कम मैं उसके साथ जिम्मेदारी से जीता हूँ दूसरे को समझने में सहयोग करता। पीछे पढ़ने में आ रहा है क्या? बहुत छोटा हो गया पीछे से, आप तो पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे तो मुझसे कम मैं उससे जिम्मेदारी से उसके साथ जिम्मेदारी से उसके साथ जीता हूँ दूसरे को समझने सहयोग करता हूँ दूसरे को समझने में सहयोग मैं जिम्मेदारी से उसके साथ जीता हूं
नीचे काम चल रहा है तो ध्यान रखें, बहुत शोर ना करें। एक मिनट इसके सब में हम लोगों ने जो बात किया विश्वास की चर्चा का समाप्त किया और उसको कुछ और उदाहरण से समझने का, उसमें जो दो मुख्य बातें समझ में आई। पहली मुख्य बात तो ये समझ में आई कि जब भी हम किसी का या अपना मूल्यांकन अपना जांच परख करके जाए तो दोनों चीजों का जांच परख आवश्यक है, अपने चाहना को भी देखना आवश्यक है और अपनी योग्यता को अर्थात अपने तो हमको बार बार स्पष्ट होता है कि हमारा चाहना तो ठीक ही है, सुखी होना और सुखी करना, योग्यता कम ज्यादा हो सकती है। जब योग्यता साथ देती है होती है तो काम हो जाता है, नहीं होती है तो काम नहीं हो पाता। ये बात दूसरे के लिए भी सही है कि दूसरा आदमी और हमको धीरे धीरे दूसरे की चाहने पर विश्वास पक्का होता जाता है और जितना पक्का होता है उतना हर बार ऑप्शन ए को चुनना शुरू करते हैं, बी से बाहर निकलते हैं। तो हम ऑप्शन ए को हम बार अगर बार बार कर पाते और अपने अंदर भर रहे गुस्से जाएंगे तो शरीर के आधार पे मूल्यांकन नहीं बल्कि स्वयं के आधार, जब स्वयं के आधार पर मूल्यांकन करने जाते हैं आकलन करने जाते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि जिस तरह से मेरा लक्ष्य सुखी होकर सुखी समृद्ध होना है दूसरे का भी यही लक्ष्य है, जिस तरह से मैं सही समझ कर सही जी कर सुखी होता हूँ दूसरा भी वैसे ही सही समझ कर सही जी कर सुखी होता है। और सही समझने सही जीने के लिए मेरी क्षमता मेरे में है ही और वो कल्पनाशीलता है जो निरंतर चलती रहती है, दूसरे में भी ये कल्पनाशीलता निरंतर चलती रहती है इसलिए दूसरे की क्षमता भी मेरे जैसे। तो क्या बात निकलते हैं कि दूसरे व्यक्ति का लक्ष्य कार्यक्रम और क्षमता तीनों ही मेरे जैसा है अर्थात दूसरा मेरे जैसा। दूसरे व्यक्ति को अपने जैसा स्वीकार के बातचीत शुरू करना उसके साथ व्यवहार शुरू करना इसी को क्या कहा असम्मान। जब ये बात ध्यान में नहीं रहती है हम सम्मान के नाम पर भेद करना शुरू करते हैं तो छोटों से एक तरह से प्रस्तुत होंगे बड़ों से दूसरी तरह अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करने लगते हैं तो भेद भी दूसरे को अपमान देता। अच्छा फिर क्या होगा क्या फिर अभी आप लोग बड़े लोगों के साथ सम्मान को व्यक्त करने के लिए उनका पैर चुके होंगे तो क्या भेद को खत्म करने के लिए बड़े लोग आप लोगों का पैर छूना शुरू करेंगे क्या? तो भेद कैसे खत्म आपका ये तो प्रश्न पूछ ही सकते हैं कि सम्मान के लिए बड़ों का पैर छूते हैं तो बड़े हमारा सम्मान करेंगे तो क्या बड़े भी आपका पैर छुएंगे? तो सम्मान एक भाव है जो हमारे भीतर रहता है
हम पैर छू के भी सम्मान व्यक्त कर सकते हैं, नमस्ते करके भी व्यक्त कर सकते हैं, सर पे हाथ फेर के भी व्यक्त कर सकते हैं, गले लगा के भी व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? सम्मान एक भाव है तो सबके लिए जैसा बने रहे। क्या भाव है कि दूसरे कैसे है? मेरे जैसे। बुजुर्ग भी है तो मेरे जैसे है, बड़े भी है तो मेरे जैसे। ये जो स्वीकृति अपने भीतर बनी रहती है, इसको कहा सम्मान का। अब बड़ा है तो कैच छू लेंगे, छोटा है तो सबके हाथ फेर लेंगे, बराबर का है तो गले मिल लेंगे। तो ये उसके साथ जो हमारा प्रस्तुतिकरण है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन भाव एक जैसा बना रहेगा। क्या भाव? कि दूसरा मेरे जैसा। इसी को कहा सम्मान का। लेकिन ये तीन तो मेरे जैसे हैं, योग्यता करके कोई कम और ज्यादा हो ही सकता है। तो जिसकी योग्यता अधिक है हम उसे समझने सीखने को तैयार रहते हैं, जिसकी योग्यता कम है उसके साथ जिम्मेदारी से मिलते हैं और समझने सीखने में उसका सहयोग। इतनी बात सम्मान का।